छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा अरे खुम में समेट लेते ना से अच्छा तो अरे कोई भी इसी पे हटा तुरंत हटाते नहीं ना फिर प्यार वर लगेंगे नहीं हटा देते हैं ना वो अच्छा कपड़े आते हैं कपड़े बस ये वहां से बनाता हूं है मम्मी को फोन दे देना उसमें कहानी चलाऊंगी कौन देखो कोई सा दे मेरा दे दे जिस तेरा हाथ है वो फोन दे दे कोई सा दे दे मैं जलाऊंगी चलो बताते हुए मैं काम कर रही कुछ बताते हुए बाद में आप हाँ भी छोड़ दो बताते हुए बाद में पकड़ ली आ रही है क्या ये कहानी सुनेगी इसको भी छोड़ दे अब तो मुंह पे जा लिया भाई लिया मम्मी कैसे इधर बैठ लो हाँ बैठ जाओ ऊपर बैठ ऊपर बैठ जाओ हाँ ओके कहीं भी बैठ जाओ ऊपर बैठ जाओ हाँ सोफे बैठ जाओ चला लो टीका लगा दो नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अवतार बेटे सात बहुएं और एक बेटी के साथ रहता था दीपावली से कुछ दिनों पहले घर के आंगन को लीपने के लिए साहूकार की बहुएं और उसकी बेटी मिट्टी लेने के लिए गईं। मिट्टी खोदते समय साहूकार की बेटी की खुरपी से स्याऊ के बच्चे मर गए यह देखकर स्याऊ नाराज हो गई और बोली जिस तरह तूने मेरे बच्चे मारकर मुझे निसंतान किया है उसी प्रकार मैं तुझे भी निसंतान कर दूंगी मैं तेरी कोख बांध दूंगी यह बात सुनते ही साहूकार की बेटी डर गई और उसने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले कोख बंधवाने के लिए कहा परंतु उसकी सभी भाभियों ने मना कर दिया लेकिन सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने को तैयार हो गई उसके बाद से जब भी छोटी बहू के कोई संतान होती वो सात दिनों के बाद मर जाती थी हर साल अहोई अष्टमी का व्रत आता एक तरफ उसकी सभी जिठानियां व्रत करती कथा सुनती और अपनी संतान की लंबी उम्र की कामना करती तो दूसरी ओर छोटी बहू अपने घर में रोया करती ऐसे ही समय बीतता गया एक दिन एक ब्राह्मण को बुलवाया गया और इसका समाधान पता लगवाया गया तो वह ब्राह्मण बोले कि इस श्राप से मुक्ति के लिए तुम्हें सुरई गाय की सेवा करनी होगी सुरई गाय स्याऊ की सहेली है उसके कहने पर यदि स्याऊ तुम्हारी कोख छोड़ दे तो तुम्हारे बच्चे जी जाएंगे यह सुनकर छोटी बहू ने अगले ही दिन से सुरई गाय की सेवा करना शुरू कर दिया वह प्रतिदिन सुबह तड़के उठकर उसका गोबर आदि साफ कर देती उसे चारा डाल देती और साफ पानी भर दिया करती थी सुरई गाय ने सोचा ये सुबह सुबह मेरी सेवा कौन करता है इसका पता लगाना होगा अगले दिन सुरई गाय जल्दी उठ गई और देखती है कि साहूकार की सबसे छोटी बहू सारा काम कर रही है यह देखकर सुरई गाय बोली तुम किस लिए मेरी सेवा कर रही हो तो वह बोली माता स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है जिस वजह से मेरे बच्चे नहीं जीते
यदि आप उनसे कहकर मेरी कोख खुलवा दो तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। यह सुनकर सुरई गाय उसके साथ सात समुंदर पार स्याऊ माता के पास चल दी। रास्ते में थक हार कर वो दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे उस पेड़ के ऊपर गरुड़ पंखनी का घोंसला था जिसमें उसके छोटे छोटे बच्चे थे। थोड़ी देर में साहूकार की छोटी बहू ने देखा कि वहाँ एक सांप उन बच्चों को खाने के लिए आया है। यह देखकर छोटी बहू ने उस सांप को मार डाला। जब गरुड़ पंखनी वहाँ आई तो उसने पेड़ के आसपास रक्त देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि इसने मेरे बच्चों को मार दिया है। वो अपनी चोट से साहूकार की छोटी बहू को मारने लगी। तब वह बोली, मैंने तुम्हारे बच्चों को सांप से बचाया और तुम मुझे ही मार रही हो। ये सुनकर गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली, तुम जो चाहे मुझसे वर मांग लो। तब छोटी बहू बोली, बहन सात समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, तुम हमें वहां तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाया और सात समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखते ही प्रसन्न हो गई और बोली, आओ बहन, बड़े दिनों में आई हो, अब आई ही हो तो मेरे बालों में से चूहे निकाल दो। तब सुरई गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने स्याऊ माता के सिर से सारी चूहे निकाल दी। इस पर खुश होकर स्याऊ माता ने छोटी बहू को आशीर्वाद दिया कि तेरे सात बेटे और सात बहुएं हों। यह सुनकर छोटी बहू बोली, माता मेरे तो एक भी संतान नहीं है। स्याऊ माता ने पूछा, ऐसा क्यों? तो वह बोली, माता यदि आप वचन दें तो मैं इसका कारण आपको बता सकती हूँ। स्याऊ माता ने उसे वचन दे दिया। स्याऊ माता को वचनबद्ध करने के बाद छोटी बहू बोली, माता मेरी कोख आपके पास बंधी है, उसे खोल दें। यह सुनते ही स्याऊ माता बोली, अरे मैं तो तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, तूने तो मुझे ठग लिया। जा मैं तेरी कोख खोलती हूँ, अब तू घर जा और घर जाकर अहोई माता का उद्यापन करना, सात अहोई बनाकर सात कढ़ाई देना। साहूकार की बहू घर लौटी तो देखती है कि उसके घर में उसके सात बेटे और सात बहुए बैठे हैं। यह देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसने सात कढ़ाई और सात अहोई बनाई और अहोई अष्टमी का उद्यापन किया। उधर दूसरी ओर जेठानियां बोली, चलो सब जल्दी जल्दी पूजा कर लो, अभी छोटी बहू का रोना धोना शुरू हो जाएगा। जब काफी देर तक उसकी आवाज नहीं आई तो भाभियों ने अपने बच्चों को पता लगाने भेजा। बच्चों ने आकर बताया, माँ वहाँ तो उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। ये सुनते ही सभी जेठानियां छोटी बहू के घर पहुंची और पूछने लगी कि तुमने अपनी कोख कैसे खुलवाई। तब वह बोली, भाभी साहू माता ने मुझ पर कृपा करी और मेरी कोख खोल दी। सभी लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। हे अहोई माता, जैसे आपने पहले साहूकार की छोटी बहू पर कोप किया वैसे किसी पर मत करना, और जैसे बाद में उस पर कृपा करी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुंकार भरते सब पर कृपा करना। कथा अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान करना। जय अहोई माता। और कोई होती है सीता बिना हुआ की भी होती है क्या? एक और होती जाती है नाम से, और कौन सी है? और कोई भी होती है बिना बाबा की नहीं है, वही होती है गणेश जी की। हाँ। फिर बनाते हैं। हाँ। पिछली बार भी पड़ी थी। हाँ। एक और होती है शायद, लिख देना उसमें। वही गणेश पांच पांच तारीख को आज भी गणेश जी की। अहोई अष्टमी व्रत में सुनी जाने गांव में एक दादी को तीर्थ वाली गणेश भगवान की कहानी। थोड़ी अच्छी आवाज में चला। तीर्थ वाली गणेश भगवान की जितना ऐसा लग रहा है स्टेशन पर माइक बजा रही हूँ। वही नहीं जाने
की बात है। नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए गणेश जी महाराज और उनकी खीर की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, गणेश जी महाराज ने पृथ्वी पर मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। पृथ्वी भ्रमण के लिए गणेश जी ने एक बालक का रूप बनाया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज लगाते जा रहे थे, कोई एक चावल और दूध से मेरी खीर बना दो, कोई एक चावल और दूध से मेरी खीर बना दो। गांव ऐसे ही सुबह से शाम हो गई, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। अब गणेश जी ने सोचा, कोई भी मेरी खीर नहीं बना रहा, अब मैं क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। वो गणेश जी को देखकर बोली, बेटा ला तेरी खीर का सामान मुझे दे दे, मैं तेरी खीर बनाती हूँ। गणेश जी बोले, माई तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वो खीर बनाने के लिए ले आओ। बुढ़ी अम्मा ने सोचा, बच्चे का मन रखने के लिए सबसे बड़ा बर्तन ले आती हूँ। बुढ़िया माई घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध और चुटकी से चावल डालना शुरू किया। तब बुढ़िया माई के आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही, ये क्या चमत्कार है, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते ही देखते पतीला दूध से भर गया। बुढ़िया माई ने उस पतीले को चूल्हे पर चढ़ाकर खीर बनाना शुरू कर दिया। तब गणेश जी बोले, माई तुम खीर बनाओ, मैं स्नान करके आता हूँ, मैं वापस आकर खीर खा लूंगा। बुढ़ी माई बोली, बेटा इतनी ढेर सारी खीर का मैं क्या करूंगी? तब बालक गणेश बोले, माई तुम सारे गांव को खीर खाने का न्योता दे दो। बुढ़ी माई बोली, ठीक है मैं पूरे गांव को कह देती हूँ। बुढ़ी माई के खीर की खुशबू धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। बुढ़ी अम्मा ने घर घर जाकर खीर खाने का न्योता दे दिया। आज मेरे घर खीर का प्रसाद बना है, आप चखने आना। पड़ोसन ने बोली, अम्मा इतने लोगों को खीर कहाँ से खिलाओगी? लोग उस पर हंसने लगे, बुढ़िया के घर में खाने को तो दाना नहीं है और सारे गांव को खीर खिलाने की बात कर रही है, चलो चलकर देखते हैं बुढ़ी माई कौन सी खीर खिलाने वाली है। धीरे धीरे लोग बुढ़ी माई के घर आने लगे। देखते ही देखते उनके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगी, इस पतीले की खीर सारे गांव में बांटी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा सोचकर बुढ़ी अम्मा की बहू, माई मेरा पेट तो खीर से भर गया, अब तो खीर खा लो, अपने परिवार को खिलाओ और सारे गांव को खीर खिलाओ। तब बुढ़ी माई पूछने लगी, बेटा तुमने ये खीर कब खाई? गणेश जी महाराज बोले, जब तुम्हारी बहू ने रसोई घर के दरवाजे के पीछे बैठकर मुझे भोग लगाया था तब मैंने खीर खा ली। तब बुढ़ी अम्मा समझ गई, यह जरूर गणेश जी महाराज हैं। वो हाथ जोड़कर उनके आगे खड़ी हो गई। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़ी माई तुम भी खीर खाओ, अपने परिवार को खिलाओ, पूरे गांव को खीर खिलाओ और उसके बाद बची हुई खीर को चार पतीलों में रख कर अपने घर के चार कोनों में रख देना। अब बुढ़ी माई ने पूरे गांव को खीर खिलाई और बची हुई खीर चार बर्तनों में करके अपने घर के चारों कोनों में रख दी और सो गई। जब वह सुबह उठी तो उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं थी। हे गजानन भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे मोती और जवाहरात भरे हैं। हे भगवता, आपने मुझ पर बड़ी कृपा करी है। क्या बच्चे का वो नहीं लेते?
चलो चढ़ा के आएंगे नीचे इसका तो पे कॉपीराइट तो नहीं आना चाहिए नहीं आएगा हैं गाना थोड़ी है चलो वैसे नहीं आता कॉपी चलो आओ भैया लेके आएंगे आपको ये क्लास है मम्मी तुमने चढ़ा देना इस पे तुलसी भी कर दो इस पे चढ़ा देना अच्छा चलो चलो भाई ये भी रखा है एक कहां चले यहां क्या नीचे हां यहां बैठ जाओ ना ये तो पे नीचे मत जा नीचे चल वहीं पे चढ़ा लो तुम यहीं पे मेरा भी हो गया तभी तो मैं हिला रही थी तुम इस पे चढ़ा मेरा तो सो जाता है फिर एडम तो आता है जिनके मतलब कि तुमने खुद अपने गाना मत चुप हो जाओ छोड़ दे चल नीले के जाने बस ठीक है भाई ठीक है भाई टाटा बाय जा रहे हैं आ जाओ ठीक है भाई देखो पूजा ही मत चढ़ाना ठीक है तो मैं दूं दियो चल भाई मेरी धुल गई अंगूठी थोड़ा इधर ये करके बाय बाय गाइस आई होप आपको सबको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आज की वीडियो सो बाय